हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम है गौरव अरोड़ा और हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, और हम बेटा प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा हमने इनवर्स टॉपिक के ऊपर एक मैट्रिक्स मेथड किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपने जरूर रिवाइज कर लिया होगा ये आशा करता हूं। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा और उसी पर बेस हमारे एक्सरसाइज 4.5 में बेटा दो क्वेश्चन रह गए थे उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद आपको पता होगा कि रैशनलाइज सिलेबस की वजह से कुछ क्वेश्चंस यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के डिलीट हो गए थे तो थोड़े से क्वेश्चन हमारे रह गए बेटा उसको भी आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और अगली क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो स्टार्ट करना है बेटा। तो हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नेक्स्ट वाली वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बेटा, जिसमें हमने 11th क्लास के फॉर्मुलाज भी यूज करने हैं। 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो भी इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो को जरूर देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आते हैं बेटा एक्सरसाइज पर और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। कंटिन्यू करेंगे इसको बेटा प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास जिसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं बेटा हमारे पास 2, 3, 1, -3, 2, 1, 5, -4, -2। ठीक है, और बोला है फाइंड ए इनवर्स। इससे बेटा हमें ए इनवर्स फाइंड करना है और बोला है यूजिंग ए इनवर्स टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस ए इनवर्स को यूज करके हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं बेटा। इसमें माइनर आपको निकालने आते हैं 3/3 के, कई बार हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है। M11 सबसे पहला एलिमेंट होगा हमारा, उसके बाद M12, M13, M21, M22, M23। नेक्स्ट M31, M32, M33। ठीक है, तो M11 निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें स्किप करना है। -4 + 4 ये हमारा बेटा जीरो बन जाएगा। -4 + 4 = 0। इसको हम जीरो लिख रहे हैं। M12 बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 और +4 ये हमारा -2 हो जाएगा। M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 - 2 = 1। नेक्स्ट M21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 6 - 5 क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा 1। नेक्स्ट M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 - 5 ये बेटा -9 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 - 5 - 9। सेकंड रो थर्ड कॉलम पर आ जाएंगे 2 + 3 बेटा हमारा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर आ रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12 - 10 = 2। 12 - 10 = 2 हो जाएगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -8 and -15 - 23। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 9 = 13 ये बेटा हमने इसके माइनर निकाल लिए हैं और माइनर के बाद आपको पता है कोफैक्टर और उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं।
हम आपको डायरेक्टली एडज्वाइंटी करवा देते हैं, क्योंकि आपको कोफैक्टर निकालना तो आता ही होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं। तो एडज्वाइंट पर आ रहे हैं हम। इसमें देखिए हम साइन सेम चेंज वाला काम भी करेंगे, कोफैक्टर वाला, और ट्रांसपोज भी करना है, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके हमें क्या मिलता है, एडज्वाइंट। तो 0 2, हाँ जी 0 2 1, नेक्स्ट आएगा बेटा -1, -9 एंड -5, नेक्स्ट हो जाएगा 2 23 एंड 13। ये हमने एडज्वाइंट निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसका डेट निकालेंगे। डेट आप एडज्वाइंट से पहले भी निकाल सकते हो, सबसे पहले माइनस से पहले, और या फिर इस स्टेज पर आने पर भी निकाल सकते हो, लेकिन निकालना है इसको हमें ए से है, ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए इसको पहले हम 2 लिख रहे हैं। सेम चेंज सेम का रूल आपको सिखा रखा है बेटा, उसी को फॉलो करेंगे। तो 2 लिखा है, इसकी रो कॉलम छोड़ने पर जो माइनर मिलेगा वो हमारा 0 है, चेक हमने कर लिया था। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -2 और -1, तो डेट ऑफ ए आने वाला है हमारे पास 0 -6 +5, ठीक है। तो ये डेट ए आ जाएगा बेटा हमारे पास -1। अब हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है, इसमें एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, 1 अपॉन डेट ए इंटू एडज्वाइंट ए, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन -1 इंटू एडज्वाइंट, एडज्वाइंट है बेटे हमारे पास 0 2 1 -1 -9 एंड -5, नेक्स्ट वन इज 2 23 एंड 13, ठीक है। तो ये बेटा पहला आंसर हमारा आ गया है कि हमने ए मैट्रिक्स से क्या निकाल दिया है, इनवर्स निकाल दिया है, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस इनवर्स को यूज करना है, लिखा हुआ था यूजिंग ए इनवर्स। इस इनवर्स को यूज करके हमें इसमें से क्या करना है बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये इक्वेशंस कॉपी करेंगे यहां पर, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो लिख रहे हैं देखिए हम, 2x-3y +5z =11, नेक्स्ट लिखेंगे 3x +2y -4z -5, नेक्स्ट है x +y -2z -3। अब सबसे पहले बेटा इससे हम ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, कोफिशियंट्स लेकर। 2-3 5, 3 2, -4 1 1 एंड -2, ए मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। नेक्स्ट बेटा हम एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे, एक्स वाई जेड, और लास्ट वन इज बी मैट्रिक्स, 11-5 -3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम दोनों ए को कंपेयर करते हैं। देखिए गिवन ए और हमारी इक्वेशन वाला ए, दोनों देखो बेटा बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो दोनों अगर सेम हो तो दोनों के इनवर्स भी सेम होंगे। डिफरेंट वाला भी केस होता है, वो भी आपको सिखाएंगे। उस केस में दोनों आपस में ट्रांसपोज होते हैं, या दोनों ए सेम होंगे बेटे, या फिर दोनों ट्रांसपोज होंगे। ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे सिखाऊंगा जरूर। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि जब दोनों ए सेम हो तो क्या करना है। सबसे पहले तो यहां पर हमारी स्टेटमेंट आएगी बेटा, रीजन लिखेंगे, बोथ द ए या वैल्यू ऑफ बोथ द ए आर सेम, देयरफॉर देयर इनवर्स आर ऑल्सो सेम। ऑल्सो सेम, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है उसी को हमें यूज करना है। क्या है हमारा फॉर्मूला एक्स निकालने के लिए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी।
जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है बेटा वही हमें यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। और अगर दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं बेटा, उस केस में भी क्या होगा, हम ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू बी करते हैं, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले इनवर्स लगाना है। इनवर्स में क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस वन था तो हम इसके साइन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको चेंज नहीं करते, बाहर जो वैल्यू होती है उसको अंदर इंटू नहीं करते। देखिए 0 -2 -1 195 -2 -23 एंड -13, ठीक है। इंटू क्या करना है बेटा, हमें इसको बी करना है, तो 11 -5 एंड -3, इसको देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 0 -5 +6, नेक्स्ट आने वाला है -22 -45 +69, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -11 -25 और +69, ठीक है। सॉरी ये होगा 39, सॉरी 13 3 है ना, ये बन जाएगा बेटा 39। इसको जरा हम सिंपलीफाई कर देते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास। और यहां पर ना हम एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू लगा देते हैं, एक्स मैट्रिक्स था हमारा x y z, और ये आ रहा है बेटा हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा हमारा ये, और नेक्स्ट आ जाएगा 3। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहां लिख देंगे देयर फोर एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2 एंड z, ये हमारा ना बेटे z है, इसको जरा ठीक कर लेते हैं। ये हमारा z है, वाई टू आ गया हमारे पास, तो अब हम लास्ट वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा इसमें z, ठीक है। z के लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा, देखिए z z इज 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, एक्स वन है वाई टू है और जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 50, इस पर बेस्ड आपको एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल सेम वाला भी, और आपस में ट्रांसफर वाला भी, तो उसको आप कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और बेटा ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आपको एक एग्जाम्पल में मिलेगी और आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो केस स्टडी का वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब केस स्टडी नहीं भी आएगी तब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में ही पूछेंगे, और उसको पहले हमें इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा और उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं, इसमें आपको मैं इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा, कंप्लीट आपने करना है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस इज ₹90, एंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड, ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे, ठीक है। ईच यूनिट जो है हमारी, ईच मतलब क्वांटिटी है उसकी, एक एक केजी यानी 1 kg की कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे, यहां लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, सबसे पहले क्या है हमारे पास अनियन, इक्वल टू ₹x, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट है बेटा हमारे पास सेकेंड आइटम,
इसकी कॉस्ट को हम रुपीज वाई ले लेते हैं, और लास्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। इसकी कॉस्ट को बेटा हम रुपीज जेड ले लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे बेटा, इसमें लिख देंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये है 4 kg वीट, 4 kg अनियन सॉरी, और 3 kg वीट है बेटा, ये 3 kg, इसको 3 बना देते हैं, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 90, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ये कॉस्ट भी हमारी 60 है बेटा, ये कॉस्ट हमारी 60 है। नेक्स्ट है 2 kg अनियन यानी 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। नेक्स्ट 6, 2 एंड 3 है नेक्स्ट ऑर्डर, ये हो जाएगा, और उसकी कॉस्ट हमारे पास 70, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्योंकि हमारे पास फॉर्म हो चुकी है, अब इस पर बेस्ड बेटा आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको आप कंप्लीट करिए, और एक्सरसाइज 4.5 बेटा आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ रहे हैं बेटा बिजनेस एक्सरसाइज के ऊपर, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, यहीं पर कर देते हैं क्वेश्चन 1, छोटा सा ही है, यहां हेडिंग में लिख देंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। तो इस डेट की देखो पहले बेटा वैल्यू लिख रहे हैं, एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 एंड एक्स, इसको ना बेटा हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड का रूल आपको पता ही है, सेम चेंज सेम, सबसे पहले एक्स लिखा है और रो कॉलम छोड़ देंगे इसकी, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस साइन थीटा, कितना आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कट होगा थोड़ा बेटा, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस कॉस थीटा, थर्ड एलिमेंट जो है सेम चेन सेम हुआ वो लिख रहे हैं, और उसकी रो कॉलम को स्किप कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए सिंपलीफाई करते हैं इसको, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा बेटा। हम लिख रहे हैं अगले स्टेप, माइनस एक्स क्यूब को सेम रखेंगे, माइनस एक्स भी सेम रहेगा, प्लस एक्स देखो हमने कॉमन ले लिया बेटा इसमें से, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारे पास एक्स इंटू 1 रह जाएगा, यानी ओनली एक्स रह जाएगा, एक्स से एक्स देखिए बेटा कट भी हो जाएगा, तो क्या रह गया हमारे पास माइनस एक्स क्यूब,
यहां आंसर लिख सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, क्योंकि हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये हमारा थीटा देखो यहां से एलिमिनेट हो गया बेटा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है कि हमने प्रूव कर दिया है इसमें कि दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसका बेटा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद कंप्लीट कीजिएगा, ऐसी आपको पेंडिंग करके निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको हिंट दे रहे हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बट आप इसको हिंट फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं आगे, एक्सरसाइज हमारी सेम है बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ ए इनवर्स इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए बी इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स है हमारे पास, ए इनवर्स है हमारे पास, देखिए बेटा 3 - 15 5, 3 - 15 5, -1 6, -2 1, कितना आ जाएगा 1 - 5 2, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास, एक तो ए इनवर्स है बेटा और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ये बी थोड़ा ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा ओवरराइट हो गया है ये, तो हमारे पास बेटा एक बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी है, देखिए बी मैट्रिक्स को लिखते हैं यहां पर, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 - 1 0 2 3 - 2, नेक्स्ट है -2 0 एंड 1, और हमें फाइंड करना है बेटा इसमें ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक मेथड तो यह है कि ए इनवर्स हमें गिवन है, इसका इनवर्स दोबारा से निकालें वो ए आएगा, और फिर ए बी निकालें और उसके बाद इनवर्स निकालें, बट क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे बेटा, हम इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब क्योंकि हमें निकालना तो है ए बी इनवर्स, बट हम क्या करेंगे बी इनवर्स निकाल लेंगे बेटा इस बी मैट्रिक्स की हेल्प से। देखिए ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी हेल्प से आप इनवर्स निकालोगे इसका, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट डेट देन इनवर्स, बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ध्यान से ए इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद बी इनवर्स को जब ए इनवर्स से इंटू कर देंगे आरएचएस में, हमें इसको सॉल्व करना है बेटा, तो वो एलएचएस के इक्वल होगा और हमारा आंसर इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने इससे कंप्लीट करना है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने बी इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स को ए इनवर्स से इंटू कर देना है, आपको ए बी इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जो अपने आप में प्रॉपर्टी ही है, ए मैट्रिक्स देखिए हमें गिवन है इसमें, ठीक है बेटा, ए मैट्रिक्स देखिए हमें गिवन है और वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एडजॉइंट। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से क्या करना है बेटा, हमें ए की हेल्प से एडजॉइंट निकालना है, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसका इनवर्स निकाल देना है। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे रहा हूं, इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसका ओनली हिंट देंगे बेटा आपको, आप कर सकते हो इसको, एडजॉइंट ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट जो मैट्रिक्स बनेगी उसका फिर से इनवर्स निकालना है हमें, और ये हमारा इक्वल आना चाहिए आरएचएस के, देखिए आरएचएस क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से ए इनवर्स निकालेंगे,
ठीक है, उसका फिर एडजॉइन निकाल देंगे, ये दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। और उसके बाद है बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है बट आप इसको जो मेथड है उसको फॉलो करके आप कर सकते हो, बहुत इजी लगेगा आपको। हमें ए इनवर्स का इनवर्स, हाँ जी, हमें ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए ए इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला होगा जब हमने फर्स्ट पार्ट किया होगा, तो देखिए हमने ये ए इनवर्स निकाल दिया यहां पर। इस इनवर्स का आप अगेन इनवर्स कर देना और वो आपका ए के इक्वल आएगा, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं, ये हमारी एक्सरसाइज ओल्ड बुक में 4.2 के क्वेश्चन हुआ करते थे, जो अब हमें वैसे करने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो गई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिलीट करना वो भूल गए हैं अपना एनसीईआरटी वाले, इसलिए ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। अब आपको इसका तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसका हिंट देने जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट हिंट देंगे आपको, क्योंकि ये भी आपने क्वेश्चन किया हुआ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज जो इसमें हो रहा है वो बता देंगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व करना बेटा इसको हमें, ठीक है। तो देखिए आपको हिंट देते हैं इसमें, 2x, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, नेक्स्ट है 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। ये देखिए ये हमें गिवन है, तो इससे बेटा आप ए मैट्रिक्स बनाते हो, सबसे पहले तो याद होगा आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें ए मैट्रिक्स बना देते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स तो बहुत इजी है, इसमें 2, 3, 10, 4, -6 एंड 5, नेक्स्ट होगा हमारा 6, 9, -20 और एक्स मैट्रिक्स। ये नया कंसेप्ट था जो आपको बताना था मैंने, एक्स मैट्रिक्स। अब कोफिशियंट हम लेते हैं बेटा इसमें एक्स वाई जेड, बट इसमें कोफिशियंट क्या आएंगे हमारे पास, 1x, 1y, 1z, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी बी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है कैसे यूज करनी है, 4, 1, 2। तो सबसे पहले आप माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और डेट निकाल के बेटा इनवर्स निकालना, इस वाले में बिल्कुल सेम है, और उसके बाद एक्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला लिखोगे, ए इनवर्स इंटू बी, और इसको अपने क्वेश्चन में बेटा यूज कर लोगे, आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे और आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है। तो इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 8। हमारी वीडियो को एंड तक देखिए बेटा, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और अगली क्लास सबसे इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आप मिस मत करिए हमारी अगली क्लास। तो हम 8th क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8। एक हमें बेटा ए मैट्रिक्स गिवन है और ये वैसे ही एमसीक्यू है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स से। क्या है हमारे पास ये, एक्स 0 0, 0y 0 एंड 0 0z, ठीक है, ये हमारा ए है, इससे हमें इनवर्स फाइंड करके प्रूव करना है इनमें से क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा हम माइनर ही निकालेंगे इसमें, आपको पता ही है, M11, M12, M13, 21, 22, 23, देन M31, M32, M33, ठीक है। तो
इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम M11 निकालना जा रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे बेटा, क्या रह जाएगा हमारे पास? YZ। क्या बचेगा? YZ। इसको यहां लिख देंगे YZ। M12 निकालने जाएंगे, 0 माइनस 0 इज 0। M13 निकालेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा बेटा। M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये भी हमारा 0 ही आएगा। चेक कर सकते हैं आप, M22 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी हमें, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये बेटा हमारा XZ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? XZ। ठीक है, तो कहाँ है हमारा XZ, यहां लिख देते हैं बेटा। नेक्स्ट चेक करिए, ये आपको 0 मिलेगा जरूर। 3 1 भी बेटा आपको 0 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। 3 2 की वैल्यू भी बेटा 0 है, और 3 3 कुछ ना कुछ मिलेगा, और इसकी वैल्यू है XY-0, दैट इज XY। अब हम इसके बाद कोफैक्टर ना निकालकर डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल लेते हैं बेटा। एग्जाम में भी आप एक स्टेप स्किप कर सकते हो। तो ये बन जाएगा हमारा YZ। ट्रांसपोज कर रहे हैं बेटा, देखिए साथ साथ, 0 0 देन 0 XZ 0, ठीक है, 0 0 एंड XY। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब इसके बाद बेटा हमें डेट निकालना होता है, तो डेट निकालते हैं। ए मैट्रिक्स से डेट निकलेगा, बट ध्यान रखिएगा इस बात को, कुछ बच्चे एडजॉइंट से ही डेट निकाल देते हैं। तो बेटर ये भी रहता है कि हम डेट को पहले निकाल लें, जिससे एडजॉइंट उस टाइम ना हो हमारे पास और मिस्टेक का चांस कम हो जाए। ठीक है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो बेटा। तो हम लिख रहे हैं इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट लिख रहे हैं, सेम चेन सेम। एक्स लिखकर रो कॉलम छोड़ेंगे, वाई जेड आ जाएगा बेटा, -0 देन +0, क्योंकि ये तो एलिमेंट ही 0 है, तो इससे हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो हम निकालेंगे इसके बाद ए इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्योंकि आपको आता है, अब फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट उसको निकाल देते हैं हम। 1 अपॉन डेट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है हमारे पास? YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। ठीक है, अब इसको ना अंदर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे आंसर में थोड़ी सी कमी है जो ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये सी और डी ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन हमारी ए या बी में से आएगी, वैसे ए आनी चाहिए। इसको अंदर ले जाते हैं बेटा, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड तो कट गया, 1/x रह गया। अब 1/x का मतलब X^(-1)। नेक्स्ट 0 0 0 Y^(-1) 0 0 0 Z^(-1)। तो चेक कर लीजिए हमारी ऑप्शन नंबर ए इसमें बेटा करेक्ट आ रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, उसको हम करते हैं। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के बिगिनिंग में भी। लेट ए इक्वल टू दिस, वेयर थीटा की देखो हमें रेंज दे रखी है, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 2π, यानी क्लोज इंटरवल 0 से 2π में लाई करता है, और हमें बताना है कि डेट इन चार में से किस ऑप्शन को करेक्ट बताता है। ठीक है, तो हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ए मैट्रिक्स देखिए हमें दे रखी है। ए मैट्रिक्स पहले हम कॉपी करते हैं, 1 -sin θ -1 sin θ 1 sin θ 1 sin θ and 1। ठीक है, और इंटरवल जो है थीटा का वो 0 से 2π, यहां हम लिख सकते हैं थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π। ठीक है,
और 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा 1। अब सबसे पहले बेटा डेट निकालने का मतलब हमें इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आप इसको डेट के फॉर्म में लिख देना, आपको बताया हुआ है, बट मैं आपको डायरेक्टली इससे करवा रहा हूं। तो 1 लिख के रो कॉलम छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा को सेम रखेंगे, मतलब साइन थीटा का माइनस साइन थीटा कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा आफ्टर स्पेंडिंग, और प्लस माइनस साइन थीटा हो गया और प्लस साइन थीटा, ये तो बेटा हमारा जीरो हो जाएगा इसका मतलब। और 1 लिख के इसकी रो कॉलम स्किप करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बेटा हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि अंदर कटिंग हो गई है इसकी, देखिए ये कटिंग हो गई है। ठीक है, और कितना आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। 2 हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे आगे हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट हमें इसमें थीटा को पुट करके इसकी रेंज निकालनी है कि इस डिटर्मिनेंट की रेंज क्या है, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं ना बेटा, ये इस डेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, हम इसको डेट बोलते हैं या इसको डीईटी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जीरो पुट करने वाले हैं, पुट थीटा इक्वल टू जीरो, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन जीरो की वैल्यू बेटा जीरो होती है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2, यानी 2 हमारे पास आ रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारी कुछ ठीक हद तक लग रही है। इसके बाद हम पाई बाय 2 पुट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी पाई बाय 2 पे मिल जाएगी हमें, हमें 2 पाई तक जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि साइन 2 पाई बेटा जीरो होता है, तो यही वैल्यू मिलेगी हमें, तो पाई बाय 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाय 2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया, एक वैल्यू 2 मिल रही है, एक वैल्यू 4 मिल रही है। इसका मतलब जो डेट है हमारा वो बिलोंग करता है किसे, 2 टू 4 से, यानी इसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाया करेगी बेटा। डेट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 टू 4, ऑप्शन नंबर हमारी डी करेक्ट आ जाएगी इसमें। ठीक है बेटा, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट है, होपफुली चैप्टर 3 और 4 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो बेटा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी सारी प्रीवियस वीडियो देखें, जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है सारी एक्सरसाइज मैंने बेटा उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखी है, उसको दोबारा से आप देखिए। ये 2 चैप्टर बेटा इजिएस्ट चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस के, तो इसको आप दोबारा प्रैक्टिस करिए। और एक मैं आपको बात बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको जो चैप्टर हम करवाने जा रहे हैं उसमें क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज यूज होंगी, हालांकि कुछ आइडेंटिटी 10th क्लास की भी यूज होंगी, बट वो आपको आती होंगी। 11th क्लास की जो है आइडेंटिटीज वो आपको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। और अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा बेस बनाएगा आगे चैप्टर 5 डेरिवेटिव करने के लिए, क्योंकि तो हम आगे कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो हमारी वीडियोस को जरूर देखते रहें बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय।